किसान भाइयों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग आलू की खरीदी करने के लिए गए थे, तो हम आलू की खरीदी करके तो आ गए। अब उसके अंदर हमने ऐसा बोला था कि अब आगे जो जो होगा वो हम दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंगीसाइड के बारे में। तो अब आलू तो हम कोल्ड स्टोरेज में से निकल के लेकर आ गए। अब आलू के अंदर कुछ सड़े हुए आलू होते हैं, तो सड़े हुए आलू को सबसे पहले एक तिरपाल बिछा कर उसके अंदर पूरी बोरी को खाली करके सड़े हुए आलू को हम एक बर्तन के अंदर इकट्ठा करते हैं। ये देख सकते हो सड़े हुए आलू है। ये जो हमने तिरपाल बिछा के जो आलू इकट्ठा किए हैं, अब वो आलू को छान पीन करके अंदर से सड़े हुए आलू को अलग कर दिया जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। और ये जो अच्छे वाले आलू होते हैं उस आलू को हम लोग एक जगह पर बड़ी सी तिरपाल बिछा कर इकट्ठा करते हैं। अभी हमने जो आलू में से बिगड़े हुए आलू निकाले और जो अच्छे वाले आलू बचे हैं, वो आलू को हम लोग ऐसी कोई खुली छांव वाली जगह में लाके रखते हैं और उसे 12 से 15 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और सारे आलू में से खराब आलू निकालने के बाद जो आलू बचते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अब बारी आती है फर्स्ट स्टेप ऑफ फंगीसाइड यानी कि फूग नियंत्रण वाली पहली दवाई की। अब आपके मन में यही सवाल होता होगा कि ये दवाई कौन सी है, तो ये दवाई है BASF कंपनी की सिस्टिवा। ये सिस्टिवा की बोतल 200 ग्राम के पैकेट में आती है और इसको 20 लीटर पानी में मिक्स करके कुल 66 बोरी आलू के बीच में छिड़काव कर दिया जाता है। अभी हमने जो दवाई बनाई थी अब उसी दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। अब दवाई का छिड़काव हो जाने के बाद आलू कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं फिर, इस बार थोड़ा जल्दी।